स्वागत है आपका यश न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। हजरत हाजी मस्तान रहमतुल्लाह अलैह का संदलो उर्स शरीफ। बीजापुर जिला तिकोटा शहर में स्थित हजरत हाजी मस्तान रहमतुल्लाह अलैह का संदलो उर्स शरीफ हर साल बड़े ही अकीदत एहतराम और धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी यानी इसी महीने जून 27 तारीख को बरोज़ जुमेरात के दिन संदल माली की रस्म अदा की जाएगी और बरोज़ जुमा 28 जून को उर्स शरीफ मनाया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी दी इस दरगाह शरीफ के जिम्मेदार मोहम्मद हनीफ मुजावर साहब ने। लोगों को बीजापुर जिला और जहां तक भी टीवी का जो ये चैनल जाता है वहां तक हमारे तिकोटे के तमाम मुजावरों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैंने यश टीवी वाले को मुखातिब होकर ये बात सुनाने जा रहा हूं कि तिकोटे के अंदर आज से 876 साल से यहाँ पर उर्स मनाया जा रहा है। ये जो उर्स है तमाम तिकोटे के अतराफ जिले के लोग, तालुके के लोग और महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर आकर हजरत हाजी मक्का साहेब के दरगाह में ज़ियारत करते हैं, उर्स मनाते हैं, नियाज करते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब एक हैं, ना भेद है ना भाव है, सब एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, यहाँ पर किसी जात का पात का भेदभाव नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 27 तारीख संदल है, उस दिन जमीरात का दिन है और 28 तारीख जुम्मा का दिन है, उस रोज़ उर्स मनाया जाता है और शनिचर के दिन वहाँ पर बासी उर्स बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पर क्या साहब करके तो ये लोग आजू बाजू खेड़े के लोग आकर उर्स मनाते हैं बासी उर्स दिन। और संदल जो है हमारा तिकोटे का गलाफ जो है संदल का, हमारे रामराव देसाई ब्राह्मण हैं उनके घर से ये संदल हमारे दरगाह को आता है। दूसरे दिन उर्स का जो ये गलाफ है मल्लन गौड़ा माधव गौड़ा पाटिल इनके घर से उर्स का गलाफ आता है। ये सब लोग हम एक तरह रहकर सब एक भाई भाई की तरह उर्स मनाए जाते हैं और किसी बात की तकलीफ नहीं है। और पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी साथ देते हैं और यह पट्टन पंचायत वाले भी साथ देते हैं और कंधा इलाके बोले तो जो तहसीलदार ऑफिस वाले उन्हें भी साथ देते हैं उर्स में, किसी बात की तकलीफ नहीं है। हमारे तिकोटे के जो MLA हैं भाग के बबलेश्वर मत क्षेत्र के MB पाटिल बोलते हैं, उन्होंने भी हमारा बहुत बहुत साथ देते हैं, उनका भी हम सब लोग मिलकर तिकोटे के उनका शुक्र गुजार करते हैं। टीचर्स वांटेड फातिमा इंटरनेशनल स्कूल लोकेटेड एट आसार गली रोशन दरवाजा रोड बीजापुर is seeking qualified lady teachers to join our team. Requirements: English medium school background, fluent English speaking and writing skills, any degree with a strong academic record, good teaching experience, ability to fulfill the dreams of our students. Location: Fatima International School. Phone number 914-89-04786. फातिमा इंटरनेशनल स्कूल इज वेल। ये आप उर्स और संदल कह रहे हैं इसी महीने की तारीख को? इसी महीने के कौन सी तारीख बताएंगे? 27/6/2024 संदल है और 28/6/2024 को उर्स मनाया जाता है, जिसे हिंदी कन्नड़ में कहते हैं जात्री। ये सब लोग 27 और 28 को आकर ज्यारत करते हैं और किसी बात की तकलीफ नहीं है। पानी का व्यवस्था है और सैनिटरी का व्यवस्था करते हैं दवा खाने वाले, किसी बात की तकलीफ नहीं है। आप लोगों का जो टीवी वालों को मैं शुक्रगुजार हूं कि तरफ से मनाया जाता है संदल और उर्स। ये संदल और उर्स हमारे ख्वाजा अमीन साहेब संदल के इन्होंने हमारे हाजी मस्तान के सज्जादे हैं, उनके परदादा हैं हाजी मस्तान। ख्वाजा अमीन के साहेब आकर इसका पहला संदल चढ़ाते हैं, बाद में क्या है मुर्शिद चढ़ाते हैं, मुर्शिद लोग फ़कीर लोग चढ़ाते हैं, उसके बाद में देसाई बोल के उन्होंने चढ़ाते हैं गांव वाले, उसके बाद में अत्तालट्टी साहिब हैं, ये बाजू खेड़े के हमारे अत्तालट्टी के साहिब हैं, उन्होंने क्या उनका नाम शाह साहब बोलते हैं, वो लोग आकर
संदल चढ़ाते हैं, उसके बाद में संदल का प्रोग्राम ख़त्म होता है। कितने बजे चढ़ाया जाता है संदल? ये बराबर रात के 1:25 या 30 को संदल का प्रोग्राम चालू होता है। ये संदल शरीफ कहाँ से लाया जाता है? ये संदल शरीफ देखो रामराव देसाई तिकोटा उनके घर से निकलता है। ये किस तरह से लाया जाता है? जुलूस के शक्ल? बड़ी धूमधाम जुलूस के साथ, बैंजो के साथ, तुम्हारा क्या डीजी बोलते हैं उसके साथ, किसी बात की ये तकलीफ़ नहीं है, पुलिस की बंदोबस्त रहती है और तिकोटे के तमाम हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई सब उसको ऐसी तरह से लाते हैं कि किसी को भी तकलीफ ना हो। बड़ी धूमधाम से ला कर दरगाह के अंदर वो संदल पेश करते हैं। दरगाह को कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे महाराष्ट्र जो है, सांगली, मिरज, शोलापुर, हमारे बीजापुर जिले के जितने भी ये हैं, बागलकोट जिला, बेलगांव जिला और तुम्हारे ये इसका क्या बोलते हैं बीदर, रायचूर है, ये सब लोग आकर हजरत का संदल चढ़ाते हैं, उर्स मनाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी धूमधाम से लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं। अरे हजरत का उर्स मुबारक। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनीफ अमीन साहिब मुजावर साचिन तिकोटा। यहाँ के मुजावर हैं, मुतवल्ली है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों को मेरा सलाम नमस्ते सस्क्रियाकाल गॉड ब्लेस यू। जैसा कि जिला बीजापुर है, तालुका तिकोटा है, जुमेरात बरोज जुमेरात आज यानी कि 27 जून 2024 को संदल है और 28 जून जुम्मे के दिन उरूस है। जो देसाई कर को साहेब है उनके घर से आता है, देसाई कर बोल को नाम है उनका, उनके घर से संदल आता फर्स्ट। तो ख्वाजा मीन साहेब जो बीजापुर के हैं उनके भी तरफ से भी संदल आता है फर्स्ट। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग रुसा को बनाते हैं, नियाजा करते हैं यहाँ। और यहाँ हमारे बबलेश्वर मत क्षेत्र के जो MB पाटिल कई गारी के मंत्री हैं उन्होंने भी आते हैं, जो और जो तमाम तिकोटे के जो चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो मुजावर ग्रुप है, सभी लोग जुमेरात और जुम्मा दिन सभी धर्म के लोग आको उरूस बनाते हैं। मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसा ही हर साल उरूस बनाते रहे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तिकोटे वाले मुजावरा को, चेयरमैन साहब को, वाइस प्रेसिडेंट को, सब ग्रुप वाले को और विजयपुर कर्नाटक वाले को, तमाम दुनिया वाले को मेरे तरफ से उरूस बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसा ही उरूस बनाते रहो। तो दरगाह को मेरा और एक मैसेज है लोगों तक, पूरी दुनिया के लोगों को, हर धर्म के लोगों को। तो अब ये हैं सरकार हाजी मस्तान बाबा, तो लोग यहाँ की आते हैं वो वजह बता तुम्हें। इन्हों जो हाजी मस्तान बाबा हैं, जो हमारे काबा मदीना जो हज उमरे जाते हैं लोग मदीना मनवरा में हमारे नबी हैं, उनकी आल है हाजी मस्तान बाबा, उनके उनकी आल का। तो जो करबला इमाम हुसैन के जो बेटे थे जैनुल आबिदीन, उन्होंने बीमार थे, उन्होंने जंग नहीं लड़ सके, उनके औलाद से वली का लकब जारी हुआ, अल्लाह वली का दर्जा शुरू करा, वली बना वली का लकब देने लगा। तो उनके बच्चे हो को महबूसबानिया गौसेप्पा बगदाद में 11वीं करते हैं। उनके बाद ख्वाजा गरीब नवाज है जो राजस्थान में, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में अजमेर है, ख्वाजा गरीब नवाज हैं जो 812वां उरूस हुआ है साल, उनकी आल हाजी मस्तान बाबा हैं। तो लोग कई कहते हैं मन्नता मंगने दरगाह को आते हैं सो, अल्लाह इनके ज़रिए नो अल्लाह वाले ही दुआ करते हैं अपने मज़ारों में, अल्लाह हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, जो भी धर्म के लोग आपको मन्नत मांगते हैं, नियाजा करते हैं, उनको अता कर कर को दुआ मांगे घड़ी, हर चीज़ अल्लाह अता करता। मैं सब भी एक बार तिकोटे वाले को, मुजावरा कमेटी वाले चेयरमैन मेम्बरान को और एक बार मुबारकबाद देता हूँ मेरे तरफ से पूरी दुनिया के लोगों को, हाजी मस्तान बाबा का जुमेरात जुम्मा संदल जुम्मा उरूस यानी कि 27 जून 2024 को संदल, 28 जून 2024 को उरूस, मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। नमस्कार, तिकोटा ग्रामदिंद मतड़ोदेनेंद्रे श्री हाजी मस्तान बड़कल गजन जात्र निमित्त गुरुवार 27 तारीख गंध इतने, शुक्रवार बान इतने, शनिवार दिन हूँ इ कार्यक्रम इतने, सक्री बान इतने, एलू दयमी बंद
ತಮ್ಮ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಜಿ ಮಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಾಮಕೋಣರು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.